गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस या वन जीन इनहेरिटेंस। ओके बच्चों, अब देखो एक जीन की इनहेरिटेंस का पैटर्न आज हम स्टडी करेंगे, जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया था। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए बच्चों। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज that are different in a pair of contrasting character। कहने का मतलब है बच्चों कि किसी एक स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस, जो कि डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले हों, जैसे टॉल और ड्वार्फ। यानी एक ही स्पीसीज के ये जेनेटिकली दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, एक करेक्टर के बिटवीन आप क्रॉस करा रहे हो, इस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बिटवीन क्रॉस है, एक जीन के कॉन्ट्रास्टिंग एलील के बिटवीन क्रॉस है, इसीलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या एक जीन का कैरेक्टर आपने कंसीडर किया है, इसलिए इसको वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ आ गया बच्चों। दूसरी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन भी देख लीजिए। क्रॉस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग एलील ऑफ वन जीन। देखिए ना बच्चों, यहाँ पर एक जीन के ही कॉन्ट्रास्टिंग एलील के बिटवीन आप क्रॉस करा रहे हो, इसीलिए इसको वन जीन इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ आ गया बेटा डेफिनेशन। यानी सिंपल शब्दों में ये है बेटा बात कि अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग एलील या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बिटवीन क्रॉस करा रहे हो, है ना, तो उसे वन जीन इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। राइट, एग्जाम्पल जैसे हाइट ऑफ प्लांट, ये करेक्टर है, तो इसकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या होगी, टॉल और ड्वार्फ। यानी इन दो इंडिविजुअल के बिटवीन अगर आप क्रॉस करा रहे हो तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। राइट, अब अपन मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया था, पी प्लांट। बॉटेनिकल नेम बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, पाइसम सेटाइवम, ये प्लांट था, यानी पी प्लांट, है ना, इस पर उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो एक्सपेरिमेंट कुछ स्टेप्स में था। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप हमेशा क्या होता है बच्चों, पेरेंट का सिलेक्शन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप बताइए। तो सबसे पहला स्टेप तो आप ही समझिए ना बच्चों, क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, पेरेंट का सिलेक्शन। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट का सिलेक्शन किया। अपन साथ साथ करते जाएंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ। सबसे पहले क्या लिया बच्चों, उसने टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, ये पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया उसने। ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन आ गई है, पेरेंट। राइट, अब देखो बच्चों, समझ आ गया आपको। अब क्या किया, होमोजाइगस या प्योर लाइन का फॉर्मेशन किया। होमोजाइगस का फॉर्मेशन हमेशा सेल्फ पोलिनेशन से होता है, बाय सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि होमोजाइगस का फॉर्मेशन किस मेथड से करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन से करते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मेंडल ने ये टॉल प्लांट लिया था ना, अब उसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, टी टी क्रॉस विद टी टी। एक ही प्लांट के बिटवीन पोलिनेशन होता है तो वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। अब उसे, आपको पता है जब इनका क्रॉस होगा तो सारे कैपिटल टी वाले मिलेंगे, ठीक है ना, और इसी तरह इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन करवा के उसने प्योर लाइंस बना ली इस तरह से, है ना। तो अब ये हमारे पास है प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, ये हमारे पास पेरेंट हो गए। और ये जो जनरेशन उन्होंने बनाई है प्योर लाइन, वो किस मेथड से बनाई, सेल्फ पोलिनेशन से बनाई। इज दैट क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो ये हमारे पास होमोजाइगस का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला ये स्टेप हो गया, ये वाला ये स्टेप हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब क्या किया उसने, देखो बेटा, क्रॉस करवाया सेलेक्टेड होमोजाइगस पेरेंट के बीच में और एफ वन जनरेशन का फॉर्मेशन किया। अब हमारे पास ये पेरेंट हो गए, ये पेरेंट हो गए ना हमारे पास, तो एक पेरेंट को उसने मेल की तरह यूज़ किया और एक पेरेंट को उसने फीमेल की तरह यूज़ किया।
अब एक बात बताओ जरा, जिस पेरेंट का को मेल की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब इसका कौन सा पार्ट उसने रिमूव किया है या इनएक्टिव किया है, फीमेल पार्ट ना, यानी इसका ऑपरेशन किया है, क्योंकि पी प्लांट बाईसेक्सुअल है, ध्यान रखना। और जिसको फीमेल की तरह यूज किया जा रहा है उसका क्या किया गया है, ईमैस्कुलेशन, क्योंकि इसका मेल पार्ट रिमूव किया गया है। समझ आ गया ना, ये बात ध्यान रखना बार बार। अब इनके बिटवीन वो क्रॉस कर रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, तो जब इनके बिटवीन रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ मियोसिस होता है आपको पता है, और गैमिट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से मियोसिस की प्रोसेस हुई और गैमिट बने, कैपिटल टी कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी स्मॉल टी, दीज आर गैमिट्स, गैमिट्स कंटेन वन फॉर्म ऑफ एलील, इज दैट क्लियर। तो ये एन गैमिट बन गया हमारे पास। अब गैमिट्स बनने के बाद क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये अब अपने यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है बच्चों तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका भी कराओगे तो भी यही बनेगा, तो मैं एक ही बार एक ही चीज लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हमारी बन गई है बच्चों F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं इसको, राइट। तो ये F1 ऑफस्प्रिंग है हमारी, ये वाली। तो अब ये ऑफस्प्रिंग क्या होगी बच्चों, देखो इसमें इस पेरेंट का भी कैरेक्टर है और इसमें इस पेरेंट का भी कैरेक्टर है, दोनों का है ना, तो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, ठीक है। दूसरी बात, ये टॉल है या ड्वार्फ है, क्योंकि कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो कैपिटल टी के कारण इसका नाम आ गया है टॉल। अब ये प्योर है या इम्प्योर है, ये हेट्रोजाइगस है तो ये क्या है, इम्प्योर है, ठीक है ना। और क्या है बच्चों, ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, तो इम्प्योर टॉल हाइब्रिड हमें F1 जनरेशन में मिला, बात क्लियर। अब हमें क्या कराना है, अगला स्टेप देखो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन। अब हमें जो F1 ऑफस्प्रिंग मिली है उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराना है, यानी TT क्रॉस विद TT, सेल्फ पोलिनेशन यही होता है ना। तो अब हमने F1 में क्या करवाया है, सेल्फ पोलिनेशन कराया है, करेक्ट। अब जब हम इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो अब यहाँ पर हम वो चेकर बोर्ड बनाएंगे, किसने दिया था चेकर बोर्ड, पुनेट ने, इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं ना। तो ये अपने बना लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से यहाँ पर मेल लिखे जाएंगे और यहाँ पर फीमेल। तो देखो बच्चों यहाँ से गैमिट कितने बनेंगे हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, करेक्ट। अब अपने इनका फ्यूजन करवा दो, TT इधर आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी कैपिटल टी करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और इधर दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नाम दीजिए बच्चों क्या है, प्योर टॉल, है ना, ये क्या है बच्चों, इम्प्योर टॉल, ये क्या है बच्चों, इम्प्योर टॉल, और ये क्या है बच्चों, प्योर ड्वार्फ। समझ आ गया बेटा, ये बन गई है हमारे पास शाबाश, कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो अगला स्टेप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एनालिसिस ऑफ F2 जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप देख लेते हैं और इसका जीनोटाइप देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, फिनोटाइप कैसे देखा जाता है, आउटर कैरेक्टर के बेस पर देखा जाता है ना। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कैरेक्टर कितने हैं, टॉल और ड्वार्फ है, इम्प्योर तो हमें गैमिट के बेस पर बता रहे हैं ना, वैसे इम्प्योर का थोड़ी पता चलता है, टॉल तो टॉल रहेगा, तो टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं ये बताने हैं आपको। तो टॉल कितने दिख रहे हैं बाहर से, 1, 2 और 3, और ड्वार्फ कितने दिख रहे हैं, 1, और टोटल कितने थे, 4। अब 3/4 और 1/4 है ना, 4 में से 3 टॉल है, यानी टॉल कितने हुए, 75%, और ड्वार्फ कितने हुए, 25%, क्योंकि 1/4 है ना ये, समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब हमें इसका जीनोटाइप देखना है, अब जीनोटाइप देखो,
जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप में क्या देखा जाता है बच्चों, गेमिट्स देखे जाते हैं ना, तो आप जीनोटाइप देखे जाते हैं ना कि किस तरह का जेनेटिक कंपोजिशन है, तो इस तरह के जेनेटिक कंपोजिशन वाले कितने हैं, वन। फिर इस तरह के जेनेटिक कंपोजिशन वाले कितने हैं, टू, यानी इस तरह के कंपोजिशन वाले टू, और फिर ये वाले वन, यानी प्योर टॉल 25%। ये क्या हो गए, प्योर टॉल होंगे ना आपके 25%, इम्प्योर टॉल आपके कितने हो गए, 50%, और प्योर ड्वार्फ कितना हो गया, 25%। ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ आई आपको एकदम अच्छे से। तो ये हो गया जीन, फिनोटाइप हो गया 3:1 और जीनोटाइप हो गया 1:2:1। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। अब मेंडल ने क्या किया, क्रॉस तो सेकंड जनरेशन तक ही करवाया था, लेकिन उसने F3 को भी डिक्लेयर किया था। अब डिक्लेरेशन कैसे किया उसने वो देखिए, डिक्लेरेशन ऐसे किया उसने, उसने कहा कि अगर सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए F2 जनरेशन की प्योर टॉल के बीच में, यानी ये कराया जाए तो ओल्ड टॉल प्लांट मिलेंगे। ये तो कॉमन सेंस है बेटा कि ओल्ड टॉल ही मिलेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर हम टी टी का क्रॉस कराएंगे तो सारी ऑफस्प्रिंग हमें कैपिटल टी वाली तो मिलेगी, तो सारे क्या होंगे, ओल्ड टॉल मिलेंगे 100%। दूसरी डिक्लेरेशन उसने ये की कि अगर सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए इम्प्योर टॉल के बीच में, इम्प्योर टॉल के बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए, यानी टी क्रॉस विद टी करवाया जाए, करेक्ट, तो क्या मिलेगा, तो हमें वही चीज़ मिलेगी बेटा। अब देखो F1 में जो आपने सेल्फ पोलिनेशन कराया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जो मिला वही यहाँ मिलेगा, यानी इसने कहा कि वही चीज़ मिलेगी हमें, कि हमें फिनोटाइप तो मिलेगा 3:1 और जीनोटाइप मिलेगा हमें 1:2:1। बात समझ आ गई। फिर इसने कहा कि अगर ड्वार्फ के बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए, अब वही बात है, सारे स्मॉल टी हैं तो ऑल ड्वार्फ मिलेंगे आपको, और वो भी प्योर, यहाँ भी प्योर टॉल मिल रहे थे, तो ये भी 100% आपको क्या मिलेंगे, ड्वार्फ मिलेंगे। तो ये इस तरह से उसने F3 जनरेशन को डिक्लेयर कर दिया। बात समझ आए। तो ये था आपका बच्चों आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक, CBSE में पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या वन जीन इनहेरिटेंस। मैं बच्चों एक काम करता हूँ, आपको इसका टेस्ट क्रॉस भी सिखा देता हूँ, क्योंकि हर क्रॉस का टेस्ट क्रॉस भी आपको आना चाहिए। तो टेस्ट क्रॉस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस वो भी आप सीख लो साथ साथ, ठीक है। तो इसका टेस्ट क्रॉस भी मैं आपको बता देता हूँ। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का क्रॉस कराना है किसके साथ, रिसेसिव होमोजाइगस के साथ, रिसेसिव होमोजाइगस के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव क्या है हमारे पास, होमोजाइगस, ये वाला है। समझ आ गया, क्लियर हुआ बेटा। तो इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होगा। अब वही बात है, अपन चेकर बोर्ड बना लेते हैं, राइट, इधर मेल इधर फीमेल, करेक्ट बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझते रहना ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों अपन लेते हैं स्मॉल टी, राइट। अब देखिए टी टी इसका इसके साथ कराएंगे टी टी, फिर यहाँ पर टी टी और यहाँ पर टी टी, है ना। अब अपन इसका फिनोटाइप कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फिनोटाइप क्या रहेगा बेटा बताओ, टॉल कितने हैं, दो, ड्वार्फ कितने हैं, दो, तो 2:2, और सिंपल हो रहा है कर दो 1:1, यानी फिनोटाइप फाइनली कितना आया, 1:1। अब इसका जीनोटाइप देखो बच्चा, जीनोटाइप देखो क्या आ रहा है, जीनोटाइप में क्या देखेंगे अपन, ये देखेंगे ना जी, जो गैमिट्स का सॉरी एलील का देखेंगे, तो ये दोनों एक जैसे ना, ये दोनों, तो ये दो और फिर ये दो, है ना, तो ये भी सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप बराबर आता है ना टेस्ट क्रॉस का, यानी फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप,
क्लियर। तो अगर कभी भी पूछे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप बताओ क्या है, तो 1:1, और जीनोटाइप बताओ तो भी क्या है, 1:1, ये याद रखना है आपको। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, जो मैं आपको असाइनमेंट में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। मैं असाइनमेंट भेजूंगा अभी आपको और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं इस पर, ठीक है, कोई डाउट। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े टी और टी के बीच में, तो निकाल दोगे क्या? वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद है ना आपको, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में क्या फॉर्मूला होता है, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। अब मैंने बताया था ना रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कौन सी होती है, हेटरोजाइगस वाली, तो कितनी होगी, दो। टोटल कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया बेटा बताओ, 50%। यानी टी और टी के बीच में 50% रिकॉम्बिनेशन था। और आप देखिए जब आपने F2 जनरेशन की थी तो आप देखिए 50% आपको रिकॉम्बिनेशन मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि हेटरोजाइगस 50% मिले हैं ना आपको, बाकी 50% तो क्या थे, प्योर पेरेंट्स थे। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच बेटो, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है बेटा जो आगे का डिस्कस करेंगे।